नमस्ते दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी को सोने दोगे या फिर यूं ही कुंभकर्ण बने खर्राटे लेते रहोगे? मम्मी पापा को समझाओ ना, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अरे चुप कर कुंभकर्ण, खुद तो सो ले रहा है लेकिन हम लोग को सोने नहीं दे रहा है। ले मर जाकर। ये पापा डनंग गए। साला नीचे किसने फेंका हमें? फेंका नहीं है, लात मारी है और तुम खुद ही गिर गए नशेड़ी। मम्मी ने लात मारी तो पापा गिर गए। चुप कर गटा कहीं का। तो चुप कर, रात भर किसी को सोने नहीं देता है। पापा ने मुझे डांट दिया। अब तू तो चुप हो जा, वैसे भी मुझे चोट लग गई है। तू चुप रहे, नशेबाज कहीं का, मैं अभी अपने बेटे को चुप करा लूंगी। अरे राम लग गई। अच्छा हुआ लग गया, अभी तक मेरे ऊपर हंस रहे थे तुम दोनों, अब तेरे ऊपर भी कोई हंसेगा। हाँ हाँ पागल बाप। अरे मत मार। और मारो, मजा आ रहा है। चुप कर तू। तुम कहाँ जा रहे हो? हम दोनों चोर हैं, तुम्हारे पास जो भी हो सब निकाल के मुझे दे दो। अरे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सीधे निकाल दे जो भी तेरे पास रखा है, नहीं तो मैं अभी तुझको जान से मार डालूंगा। खजूर में गिरे नीम में अटके। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। निकालता है या तुझे बताऊं? अभी यही है मेरे पास, लेना हो तो ले लो। अरे रुको भाई, मेरे घर पे बहुत सारी संपत्ति है। हाँ बता, कहाँ है संपत्ति? मेरे घर पे है। तो क्या तू अपने घर की संपत्ति मुझे दे देगा? नहीं, तुमको चोरी करनी होगी। अजीब पागल आदमी है, अपने ही घर में चोरी करवाना चाहता है। अच्छा चलो घर। इस प्रकार नहीं जाएंगे, पहले तुम दोनों लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो और अच्छा फोन गहने अपने साथ ले लो, तब चलेंगे। लेकिन क्यों? मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा कि तुम मेरे बहुत अमीर मित्र हो और इसलिए तुमको घर पे लेके आया हूँ। मेरी पत्नी तुरंत मान जाएगी। तुम अपने घर में चोरी क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि मुझे रोज दारू चाहिए होती है और मेरी पत्नी मुझे दारू के लिए पैसे नहीं देती है, इसलिए तुम लोग चोरी कर लेना और उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना ताकि मैं दारू पी सकूं। ठीक है। फिर जाओ अपने कपड़े और चीजें बदल कर आओ। चलो भाई, तुम अच्छे मिले हो हमको, तुम्हारे जैसे दो चार और मिल जाए तो अपना जीवन सफल हो जाए। हाँ चलो, लेकिन एक बात और, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा है मुझसे, इसलिए जब घर चलोगे तो मेरी पत्नी तुम लोगों को बहुत कुछ कहेगी, शायद मारेगी भी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग तो रोज गाली और मार खाते हैं। इतनी रात में कौन आया है? तुम तो भाग गए थे और कह रहे थे कि कभी नहीं आऊंगा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये दोनों कौन है जिनको तू अपने साथ लेकर आया है? अरे ये दोनों हमारे मित्र हैं, इनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। कह रहे थे कि काम ज्यादा हो गया है तो एक या दो फैक्ट्री तुम्हारी पत्नी के नाम कर दूंगा, इसलिए लेटा आया। अरे तो ये लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, मैं चाय बनाती हूँ। अंकल आप दोनों खूब बड़े हो जाओ। अरे पागल, ये तुम नहीं, ये जिनके पैर छूटे हैं वो लोग बोलते हैं। मम्मी ने तो आज तक नहीं बोला कभी, वो तो हमेशा बोलती है कि मर जाके कहीं। ये कब बोला? अरे तभी जब आपने पैर छुए थे। चुप कर, बिल्कुल शांत रह, पता नहीं कब क्या बोलना है। अरे बताओ बेटा, क्या बात है, मम्मी क्या बोलती हैं? कुछ नहीं। बताओ, मैं कहाँ किसी से कहने जा रहा हूँ। चुप कर लुटिया चोर। क्या मतलब? बताओ बेटा, तुम कुछ कह रहे थे? अभी जब पापा बाहर भाग गए तभी मम्मी पापा को मार रही थी और पापा मम्मी के पैर छू रहे थे। अच्छा। कहाँ फैक्ट्री है आपकी? बहुत सारी है, लगभग 10, और दो लोग हैं, इसलिए सोच रहा हूँ एक कंपनी दान दे दूँ। आप जैसे नेक दिल बहुत कम लोग मिलते हैं। हाँ सही बात, हमने आज तक रातों रात बहुत लोगों को गरीब दास से अमीर दास बनाया है। वैसे तुम दोनों शक्ल से तो चोर लग। कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा, तो बिना देर किए लाइक बटन दबाएं, आइए अगला भाग देखें। ते हो क्या? कुछ नहीं, शक्ल और काम में बहुत अंतर है। वैसे आप लोग कौन हो? इनको भूलने की बीमारी है, ये वादा करके भूल जाते हैं। अच्छा, ये साला अपना वादा ना भूल जाए, नहीं तो फालतू में टाइम खोटी हो जाएगा। अंकल को क्या हुआ? मम्मी अंकल बेहोश हो गए क्या? अब इनके कपड़े और अन्य सामान निकाल कर रख लो और इनको कोई पुराना अंडरवियर पहना के बेड पर लेटा दो।
आपने दोनों अंकल के कपड़े और सामान क्यों चुरा लिए मम्मी? तुम्हारे पापा गजनी है इसलिए सब भूल जाते हैं। और अभी कुछ समय पहले तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि ये दोनों चोर हैं और इनको घर की सारी संपत्ति दे दो, क्योंकि तुम्हारे पापा भूल गए थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा, जब इनको होश आ जाए तो हम लोगों को नाटक करना है। कौन सा मम्मी? यही दिखाना होगा कि हम सब लोग शरीर के भाग निकाल कर बेच देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ कि ये दोनों घर पर ही आ गए, अब हमको इनकी आँख निकाल कर बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सही है, इनके तो गुर्दे भी सही होंगे। हाँ वो भी निकाल लेंगे। अरे रुको भाइयों, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, सुबह चले जाना। अरे चुप कर, मरवाएगा क्या। देखो देखो फैक्ट्री मालिक जा रहे हैं। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो। अरे भागो भागो भागो। तुमने मेरे दोस्त को भगा दिया, मैं भी जा रहा हूँ। जाओ फिर, रुके क्यों हो? मैं चला जाऊंगा। मैंने कब मना किया? मैं पक्का चला जाऊंगा। अरे तू जा रहे। भाई रुको, भाई रुको, मैं भी चल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, रुक अभी तुझे बताती हूँ, तू घर में चोरी करवाएगा। अरे बस करो लग रही है। पापा चोर लाए, मम्मी ने चोर भगाए, पापा को भी 10-15 हाथ जमकर लगाए। झाड़ू लेकर आओ। हाँ पापा बहुत बड़े वाले हैं। अरे पागल, झाटू नहीं झाड़ू कह रही हूँ, जिससे घर साफ करते हैं वो ला कर दो। पागल दास, आज से पापा घर का पूरा काम करेंगे, बाहर जाना बिल्कुल बंद आज से इनका। मैं कुछ काम नहीं करूँगा। क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आज से पूरा काम मैं ही करूँगा और तुम आराम से बैठना। कितने अच्छे हो तुम। वो तिवारी जी के यहाँ भैंस है ना, वो कुछ काम नहीं करती, सब काम मालिक को ही करना पड़ता है। और वो यादव जी के यहाँ वो कुटिया, वो भी कुछ काम नहीं करती, सब काम यादव जी ही करते हैं। तो तुम भी कुछ ना करो, मैं ही सब कर दूंगा। तुमने मुझे कुटिया बोला, भैंस बोला, इतनी हिम्मत तुम्हारी। मैंने ये कब बोला, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे जैसे और भी जानवर हैं जो काम नहीं करते। तुमने मुझे जानवर बोला। नहीं नहीं, तुम तो शेरनी हो इस घर की। मतलब तू शेर है गीतर कहीं का। नहीं नहीं, तुम ही केवल शेरनी हो घर में। हाँ हाँ वो तो सही है, मैं तो ठहरा इंसान, शेर जैसा जानवर कैसे बन सकता हूँ। आखिरकार पापा ने मम्मी को स्वीकार करवा ही दिया कि वो जानवर हैं। तुमने मुझे जानवर बोला। अरे नहीं नहीं, मैंने कहाँ कुछ बोला, तुमने ही तो खुद को शेरनी बोला, अब शेरनी जानवर है इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन मैं जानवर नहीं, समझे तुम। पापा मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, आपने शादी की है आप ही झेलो, मैं तो चला। अरे बेटा रुक रुक, मैं भी चलता हूँ। और बोलो मुझे जानवर, आई मजा। हट 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 कुत्ते, हट हट। तुम तो बाहर जाने वाला था, चल जा बाहर। दोस्तों मुझे यह बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपका राय लिखें। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुशियां दे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।